जनपद संभल में तीन महासी गांव में पड़ा अंधेरा, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। संभल की परिभाषा क्षेत्र की ग्राम मऊभूड़ में पूरा गांव काफी दिनों से अंधेरे में है। जब ग्रामीण अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, करीबन 8 महीने से बिजली की समस्या है, आराम फरमाते हैं आते ही थक जाते हैं। 25 के ट्रांसफार्मर गांव में रखे गए हैं। एक ट्रांसफार्मर फार्म पर करीबन 55 कनेक्शन होने चाहिए थे। 25 कनेक्शन इसी लोड के कारण न रोक पाते। कई बार ग्रामीणों ने 63 के ट्रांसफार्म की मांग की है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। पूरा गांव अंधेरे में है, आखिर कोई हादसा हो सकता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि बिजली की समस्या होने के कारण हमारा एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। फोन चार्ज न होने के कारण जब अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो दूसरे गांव में मोबाइल चार्जर लेकर जाना पड़ता है और फोन चार्ज करना होता है। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों की समस्या का समाधान न हो, न इससे विभाग की मनमानी कहा जाए, यह लापरवाही। लाइट कब से समस्या था? लाइट 3 महीने हो गए बगैर आओगे। तो क्यों नहीं आ रही लाइट? 25 का ट्रांसफार्मर है, हाँ, और 60 कनेक्शन है। लोड है ज्यादा, 35 किलोवाट लोड बढ़ती हो रहा। फिर भी तो आपने शिकायत करी? शिकायत करी, कोई ना सुनने। बिल्कुल, क्या चाहते हो? आज भी हम गए तो आज भी किसी लैंड मैनुअल मना कर दी, बोले जैसे साहब मना करना तार नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, 63 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो कब से लाइट ना है तुम्हारे? 3 महीने से लाइट ना है। 10 मिनट को आवे तो छुट्टी। फिर मोबाइल भी संभल जाना चार्ज करने, 10-10 रुपये में चार्ज हो रहा है गाँव वालों के। रात भी यहाँ चोर आ गए गाँव में, कॉल में क्या होगा? फिर बालकों में पेपर चल रहा है, ना कोई पढ़ाई है ना कुछ है। क्या नाम है आपका? लाइट क्या समस्या था? लाइट आई ना रही 3 महीने से। क्यों ना रोज घूम रही है? 25 के कनेक्शन हो रहे हैं और 60-60 वो है कनेक्शन। और डोल कितने का तुम्हारे? 25,000। तो कब से फूके पड़े हैं ये? फूके पड़े हैं 15 दिन से। हैं तो कितनी? तो क्यों? तो जेई से आपने शिकायत करी क्या? खूब शिकायतें हो रही हैं रोज। हाँ, जेई हो क्या चाह रहे हो? जो करा, जो चाहो करा लो, जो तुम तो हो रहे हो करा दो। मेरा जेई क्या कहते हैं? जेई क्या कहते हैं? जेई कहते हैं जो तुम तो हो रहे हो मेरा करा लो, ना दूंगा, पूरे गांव को अंधेरे में रखूंगा। आप बिल ऐसे दे रहे हो फिर? हाँ, क्यों दे रहे हो बिल? फिर बिल जबरदस्ती ले रहे हैं, क्या करें उनके? किसी को 800 महीना का, 900 महीना का, 700 महीना का आ रहा है बिल। यहाँ लाइट की क्या समस्या है? लाइट की समस्या ये है कि 50-50, 60-60, 55-55, 80-80 मतलब कनेक्शन है। ये और 25 के ट्रांसफार्मर हैं, वो एक दिन ना चलता। और यही को खबर करो, यही सुनता ना, लकार दे, यही डांटे है, गाली बके। बराबर के गांव में 10 रुपये दे के मोबाइल चार्ज करके ला रहे हैं। पानी को परेशान है, मोबाइल को परेशान है, लाइट को परेशान है। चोर रात भर गर्दा काट रहे हैं। कब से है अंधेरों में? 3 महीने हो गए। 2 दिन को आया, 8 दिन बच जाए, 1 दिन को आया, 8 दिन को बच जाए। तो क्या चाहते हो आप? भैया यही सुनता ना, यही कहाँ ट्रांसफर करा जाए। अच्छा, चाहते क्या हो? बिजली ट्रांसफार्मर बड़े चले जाए। कितने का चाहते हो? कम से कम 63 के हों जो काम चल जाए। तो एक ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है? एक मतलब किसी का 58 कनेक्शन है, किसी पर 55 है, किसी पर 56 है, किसी पर 80 है, किसी पर 80 है। कितने कनेक्शन है गाँव? कितने हजार फुटों की आबादी है? कितने बड़ी आबादी है? करी करी है मतलब 500 आदमियों की, 500 कनेक्शनों की आबादी। और क्या अब भी यही मना? क्या कितने आबादी है? लगभग 5,000-4,500 के आसपास आबादी है। तो आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत करी सरकार सुन कर रहा है, यही ना सुन रहे, मतलब SDO ना सुन रहा, बिजली घर वाले ना सुन रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान शाह। इमरान खान, लाइट की क्या समस्या आपके? लाइट की बहुत कड़ी समस्या है, लाइट में तो दिक्कत ही दिक्कत है। 3 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया, 3 महीने लमसम ये मान लो हो गए। तो क्यों नहीं आ रही लाइट? लाइट क्यों नहीं आ रही? का ओवर लोड इतना है और ट्रांसफार्मर जो 25 के हैं, आता है फूकता है, आता है फूकता है। क्या चाहते हो? हम 63 का चाहते हैं। आप इसरार खान, आप यहाँ लाइट की क्या समस्या है? लाइट की तो बहुत ही दिक्कत है, लाइट तो आ ही नहीं रही बिल्कुल। कब से ना आ रही? हाँ, महीने हो गए लाइट ही ना आ रही। 3 महीने हो गए, 3 महीने से लाइट नहीं आ रही। क्या चाहते हो? ट्रांसफार्मर रखते हैं और फूक जाते हैं। कितने ट्रांसफार्मर फूक होंगे अब तक हमारे? अब तक ऐसा मान लो 17 ट्रांसफार्मर फूक गए। क्यों फूकते हैं वो? तो यहाँ लोड ओवर है साहब। कितने कनेक्शन है एक ट्रांसफार्मर पर? एक ट्रांसफार्मर पे 50 तो नहीं, लगभग 50-60। क्या है? कितने के तुम्हारे ट्रांसफार्मर? ये 25 के हैं। तो आप क्या चाहते हो? 63 का रखना चाहिए। आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत बहुत कर ली, कोई नहीं सुनवाई हो रही। क्या चाहते हो?
हम यही चाहते हैं कि सुधार आओ बिजली में और बड़े ट्रांसफार्मर रखे जाए। जैसे मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज करना चाहते हो आप? मोबाइल क्या बंद पड़े हैं, मोबाइल हमारे मोबाइल बंद पड़े हैं, पहुँचे हैं या कहीं भी करना तो बंद पड़े हैं मोबाइल में। क्या तो क्या अंधेरे में कैसे रहते हो? अंधेरे में परेशान है, चोर भी आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चोर भी जाते। लाइट का तो समस्या है आपके गाँव में? लाइट की समस्या तो हमारे गांव में बनी रहती है लगभग जब से ये जाड़े शुरू हुए हैं 4 महीने से बराबर लाइट की समस्या रहती है हमारे गांव में। ट्रांसफार्मर 2 दिन चलता है, फट जाता है, क्योंकि एक एक ट्रांसफार्मर पर लोड जो है वो 3-3 ट्रांसफार्मरों का है। एक ट्रांसफार्मर पर लगभग 40 से ज़्यादा ही है औसतन। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हर 3 ट्रांसफार्मर जब तक 63 KVA पे नहीं रखे जाएंगे तब तक ये समस्या हमारे गाँव की दूर नहीं होगी। और अब 3 दिन हो गए हैं ट्रांसफार्मर रखे हुए, लेकिन जेई साहब ये कहते हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाएगा हम इन ट्रांसफार्मरों को चालू नहीं करेंगे। 3-4 दिन से गांव में अंधेरा है और चार्ज करने के लिए हमें संभल खराय तमीन या आसपास जाना पड़ता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो पूरा गाँव अंधेरे में? पूरा गाँव अंधेरे में है। तो आपने कहीं शिकायत ना करी? शिकायत हमने लखनऊ भी की है, जेई से भी की है, SDO एक्शन के भी फोन मिलाए हैं, लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने से कोई तैयार नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई हादसा होता है इसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। जैसे ये ट्राम भरम है, काफ़ी समस्या से एक साल से समस्या आ रही है, तो क्यों आ रही हैं, क्या वजह? समस्या इसी वजह से आ रही हैं कि हमने लखनऊ फ़ोन किया तो उन्होंने किया कितने कनेक्शन है आपके ट्रांसफार्मर में, हमारे ट्रांसफार्मर में लगभग 35-40 कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ 25 कनेक्शन से ज़्यादा ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक ही ट्रांसफार्मर 40-45 तक है कनेक्शन, उसके बावजूद भी 25 का रखा जाता है। 25 का आने के बाद 2 दिन खत्म हो जाता है, फिर 15 दिन इंतजार करते हैं, फिर रखा जाता है, फिर 2 दिन चल के हो जाता है। लिहाजा 4 महीने से हमारा गाँव अंधेरे में पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिरुल्लाह खान, मैं पूर्व मेरे नाम अकरम है। क्या समस्या लाइट की? लाइट की ट्रांसफार्मर आउ रखे हैं, बत्ती नहीं आ रही गाँव में, तारी नहीं जुड़ी, ये तो बात करें जी साहब। कब क्या आउ रखे हैं? 8 दिन हो गए। फोके कब थे? फोके तो पहले ही उससे ना, क्या तारीख को फोके, क्या दिन बाद कब फोके थे वो? 8 दिन पहले फोके उससे। 16 दिन हो गए फोका हुए? हाँ आओ हुए 8 दिन हो गए। सही तो लाइट कब से नाई? 16 दिन हो गए लाइट बिना हुए? हाँ जब से फुका जब से ही ना रही, आने पे भी आ गया फिर भी रखा है वो, सही हुआ बिल्कुल। कौन ना जोड़ ले? क्यों ना जोड़ ले? जोरी ना रहे वो, क्यों ना जोड़ ले? मर्जी है।